यार ये लेनी है किसी को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। गाइस एडिडास के तीन कलर हो गए, एक ये डार्क ग्रे है, लाइट ग्रे है और ब्लैक है। बीच में खड़े कर गए, इधर से रास्ता नहीं, साइड से आया हूं मुड़ के। ये अपना आ चुका है चिकन रोल और भीड़ देख लो भाई। चिकन केक फिर तुमने काट लिया था। हाय गाइस वेलकम बैक टू चैनल, होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था, अभी थोड़ा बिजी था कुछ काम से। मैं अभी आपको बताऊंगा इस व्लॉग में मैं काम किससे बिजी था और उसी काम से आज बेसिकली जा रहा हूँ मैं। सीन ही है, मैंने न्यू अपना बिजनेस स्टार्ट करा है घर से, ऑनलाइन बिजनेस है और घर से ही, अभी बड़े स्केल पर अभी कुछ नहीं है। मैंने सोचा घर पर ही हूँ तो कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे मेरा कॉलेज वॉलेज भी चल रहा है कि इस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट भी है एंड माई चॉइसेज आर गुड। और मेरा इंस्टाग्राम पेज ही आपको नीचे आ रहा होगा न्यू बिजनेस वाला, तो इसको फॉलो करना मत भूलना। सो अब देखते हैं यार मुझे कितना टाइम लगेगा, अभी 2 बज चुके हैं, सो लेट हो जाऊंगा दिल्ली में, मुझे रोही नहीं जाने का, दिल्ली बहुत दूर है। देखते हैं 50 किलोमीटर है यहाँ से फरीदाबाद से, तो लग जाएगा 2 घंटे आराम से। 2 बज रहे हैं, 4-5 बजे तक पहुँचूंगा। 100 नॉर्मल डालना भाई, नॉर्मल नॉर्मल कोई नहीं। हाँ 0-0 दिक्कत अंदर से ही होती है, 0 दिखाने से क्या होता है अभी, ऐसे होता है क्या और क्या, ऐसे ही है अंदर सेट होते हैं मीटर। क्यों अभी पेट्रोल डलवा लिया हमने और ये मैं खाने के लिए ले आया था साथ में केक। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, एक अंडे खाए और आज जिम भी जाना था मेरे को, आज ही मैंने कल ज्वाइन करा है जिम पता है। और अभी मैं ये खाऊंगा केक और ज़्यादा कुछ नहीं, बिरयानी वगैरह खाने का मन है मेरा तो बहुत। अब देखते हैं कि रास्ते में अच्छी मिलती है दिल्ली में लाजपत के वहाँ, तो एक है बिरयानी आंटी चलो देखते हैं, मिलती है तो खा लूँगा क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। बस होपफुली जाम ना मिले वरना भाई बहुत लेट हो जाऊंगा मैं, और क्या पता स्टॉक ना भी मिले। और जो मुझे रिटर्न करना है पहले तो अंदर काफ़ी अंदर है उनकी शॉप, तो वहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद मुझे वहाँ से गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। पार्किंग एक्चुअली ना दिल्ली में पार्किंग ढूंढनी सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल काम है ही वही, ठीक है। तो बस पार्किंग मिल जाए अच्छी जगह पर कोई और फिर देखते हैं। ये अपना बदरपुर क्रॉस कर लिया और ये देखो यार ये लेनी है किसी को, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई। एक्सोटिक व्हील्स का शोरूम, दिल ना ऐसे धक धक होता है इन गाड़ियों को देख के कि आएगी कभी ना कभी। फ्रीजा भी बहुत मॉडिफाई करा रखी है मैंने, मतलब बहुत तो नहीं बट ये मेरी प्रोजेक्ट कार है, अभी भी इसमें काफी काम हुआ पड़ा है बट स्टिल आगे प्रोजेक्ट कार में कभी कुछ पूरा नहीं होता यू नो। यहाँ पे ना स्पीड लिमिट 70 हो चुकी है तो मुझे 70 पे ध्यान रखना है, मतलब बहुत मुश्किल है यार 70 पे गाड़ी चलाना। कोई नहीं पर हल्का हाथ रखेंगे, कैमरा वैमरा पुलिस वाले वैसे इधर खड़े होते हैं हमेशा आके ना लेफ्ट साइड में कॉर्नर में, बट उनके हाथ में नहीं आना। वैसे ही मैं इस हफ्ते ना 2-3 बार हाथ आ गया पुलिस वालों के, सो मुझे अब नहीं आना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। यहाँ देखो स्पीड कितनी रही, आश्रम का वो आने वाला है, नींद आ रही है मेरे को, थकान हो जाती है हर बार ना। मेरे साथ मम्मी आती हैं, सो ये मेरा सेकंड। अरे हाँ कपड़ों का तो मैं बताना ही भूल गया आपको, मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ। जैसे जो ओरिजिनल होते हैं जो स्टोर से हट जाते हैं, जैसे 2021 का आर्टिकल है वो 2022 में तो लगेगा नहीं, तो वो स्टोर से फैक्ट्रीज वेयर हाउस वगैरह में चले जाते हैं एंड ओरिजिनल ही होते हैं वो सारे, कोई डिफेक्ट वाले पीस नहीं होती। कई लोग समझते हैं कि यहाँ पे डिफेक्टिव पीस होते हैं जो इतने सस्ते में बिकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। H&M ज़ारा के मैं बीच में अभी लोए लाया था सारे बिक गए, मैं व्लॉग नहीं बना पाया उसका बट मैंने आज सोचा चलो आज स्टॉक लेने जाता हूँ। मैं फोटोज वगैरह इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है फॉलो करना, आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे। और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसके, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चार्ज होंगे 50 रुपये जो भी होता है, सो आपको वो घर बैठे बैठे भी मिल जाएगी। इम्पोर्टेड भी है वो मैं आपको बता दूंगा, जो इम्पोर्टेड है वो इम्पोर्टेड और जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल बोल के बेचो। क्यों झूठ बोलना कि इम्पोर्टेड टी शर्ट ओरिजिनल बोल के दे दूँ, सामने वाले को पता लगती है। और सबसे बड़ी बात फेयर बिजनेस सबसे बेस्ट होता है। अभी मांगने वाले ये आ गए थे, ये आते रहते रास्ते में, कहती मना मत करो, मेरे पास खुले नहीं थे भाई, 500 रुपये का नोट है, 500 रुपये का दे दूँ और दे दिया ना मैं इनसे बोलूँ खुले दो, मिल गए फिर तो मुझे। लेफ्ट वाली रोड सारी चल रही है, मैं इधर खड़ा हूँ। दिल्ली का ट्रैफिक यार, दिल्ली में ना जब भी आओ ना इतना ट्रैफिक है, मतलब कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है दिल्ली में ट्रैफिक ना। आप सरकार कुछ तो करो ट्रैफिक, एक तो 50 की लिमिट, कैमरे हो चलान कट जाएगा, आराम से चलाओ, चल आराम से चला ली फिर ट्रैफिक तो हटाओ भाई, इतनी बीटी भाई। ये अच्छा लग रहा है, हुक्का हुक्का बड़ा हुआ वाला मस्त लग रहा है मुझे लगा। भाई साहब इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है आज, ओ माय गॉड गाइस देख लो, ये आश्रम वाला चौक है इधर दिल्ली का फेमस है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक यहाँ होता है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला, अंडरपास बन चुका है क्योंकि देख लो
कितना सही बन गया भाई अंडरपास, और इस चक्कर में कितना फर्क पड़ गया। बनी भाई इतना ट्रैफिक होता ना, एक घंटा मेरा खराब होता था हर बार मुझे। वेरी गुड, मौसम देख लो गाइस, और अभी 30-40 किलोमीटर आ जाएगा। ट्रैफिक इतना नहीं है यार इस साइड, मतलब ये वहां से जब हम लेफ्ट मुड़े थे ना आश्रम से, वैसे दिल्ली के लिए सीधा जाओ तो उधर उस रोड पे बहुत ट्रैफिक है, बट ये दूसरा रास्ता लेके गया लेफ्ट से। सो ये बहुत बढ़िया रास्ता है, मतलब 50 किलोमीटर पता ही नहीं लगा, 40 किलोमीटर हो गए और 10 किलोमीटर और रह रहे हैं, मतलब डेढ़ घंटे में 50 किलोमीटर दिल्ली में। और रोहिणी में पहली बार आया हूँ तो मज़ा आ रहा है। और मौसम सबसे बड़ी बात गाइस, मौसम देखो कितना अमेजिंग मौसम हो रहा है, कोई धूप नहीं, देखो ठंडा मौसम हो रहा है, चिल्ड बिल्कुल सही है। बारिश हो जाए भाई मैं तो चाह रहा हूँ बारिश हो जाऊँगा, घर अकेला मज़ा आएगा मेरे को। देखो सोलो ट्रैवलिंग में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब मेरे को पसंद है, मैं दोस्तों के साथ भी जाता हूँ, घर वालों के साथ भी, अकेले भी कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को होती है ना अकेले बोर हो जाते हैं कुछ, मैं अकेले बोर नहीं होता भाई, मैं बहुत मैं मौज में चलता हूँ ना, किसी से फोन पे बात कर लिया, कभी गाने सुन लिए, कि अभी मैप्स चला लूँ मैं वरना रास्ता भूल जाऊंगा। अब सीधा रोहिणी में पहुंच के कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यहाँ पे जगह नहीं थी, मतलब शॉप तो यहाँ पे है, तो मैंने ये लगा दी गाड़ी एडिडास के लोअर हैं ये, और अभी ये लेना और दिखाओ भैया, और जो शॉप था एडिडास में मिल जाएंगे आपको मीडियम लार्ज एक्सेल सारे साइज मिल जाएंगे, और क्वालिटी बताता हूँ अभी आपको, ये ड्राई फिट में। हाँ जी ओके, पहले भी देख लो इस पर डाल लिख रहा है सब पर, ये लेडीज का है ना शायद। हाँ जी ये ड्राई फिट वाला, ये बिल्कुल टाइटीज जो टाइटीज और टैक्स वॉश केयर वगैरह प्रॉपर प्रॉपर वॉश केयर होएगा। बाकी गाइस एडिडास के तीन कलर हो गए, एक ये डार्क ग्रे है, लाइट ग्रे है और ब्लैक है। ये वाले स्कैनर में लगे होते हैं, स्कैनेबल है ये लो। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। अभी हमने जाना है, कहाँ जाना है, एक और जगह जाना है, और वहाँ पे ये इम्पोर्टेड टी शर्ट्स पड़ी है मेरे पास बड़े साइज में, वो वापस करानी है। अभी चलते हैं, हल्की सी डाल दो आप, तो अभी ऑमलेट लगवा लिया और साथ में एप्पल ले लिए। तो मैंने यार क्या उल्टा सीधा खाना जिम स्टार्ट किया, मैंने कि चलो कुछ फालतू उल्टा सीधा खाने से अच्छा एप्पल भी हो गया और ऑमलेट बनवा दिया बढ़िया से। चलो सही है, ब्लॉग बन रहा है, हाय करो। चलो खाते हैं फिर चलते हैं। पेड़ागढ़ी फ्लाईओवर सिस्टम है भाई, हाईवे के बीच में ट्रक ऐसे खड़ा है पता नहीं, चले यार क्या सिस्टम है, खराब हुआ है क्या है देखना, मतलब चलती रोड पे ट्रक को ने कब्जा कर रखा, देखो एक ऐसे खड़ा है, एक ऐसे खड़ा है, एक सामने खड़ा है, वो वाला गाड़ी निकलने की तो नहीं, और मेन हाईवे है, अभी रिवर्स कर रहा है भाई, सीन क्या है पता नहीं, बीच में खड़े कर गए, इधर से रास्ता नहीं, साइड से आया हूँ मुड़ के। भाई ये सिस्टम क्या है, नो एंट्री, पता ना क्या सिस्टम है यार, बताओ मेन हाईवे पता ना, पुलिस वाले ना कोई, अब किसको हटाए, बंदा नहीं बैठा था नहीं ट्रक में कोई, ये सारे हटवा दो। भी बंद होने का टाइम हो गया, 8:30 बज रहे हैं। रोल दो भाई, ये अपना आ चुका है चिकन रोल, और भीड़ देख लो भाई दबा। मेरे फ़ोन में बिल्कुल बैटरी नहीं थी, फ़ोन ऑफ हो गया था, इसके बीच में थोड़ी देर दिखा नहीं पाया मैं जाते हुए का, जिनकी शॉप पे गया था उन्होंने चार्जर दे दिया और मेरा 80% चार्ज हो गया आधे घंटे में। सही है नहीं भाई, बड़ी दिक्कत हो जाती है, मेरे पास वायर है आईफोन की, बट ये पता नहीं क्यों नहीं चल रही, क्या चक्कर है इसका, घर पे तो चल रही थी। चलो कोई नहीं, मेरा जुगाड़ तो हो गया। चलो ट्रैफिक बहुत है यार, ऐसा कुछ होता है कि ग्रीन लाइट मिले तो आगे भी ग्रीन लाइट मिलती है, क्योंकि मेरा एक दोस्त बता रहा था यार एक बार तुझे रेड लाइट मिल गई ना तो हर बार रेड लाइट मिलेगी, पर देखो अभी भी ग्रीन लाइट आगे दिख रही है, ऐसा होता होगा कुछ। बैक टू होम, 10 बज गए तो 9 बजे तक पहुंच गया था, वैसे दोस्त का कॉल आ गया था तो वहीं पे ही मिल लिया, थोड़ी देर बैठ गए थे साथ। सो अब आए हैं घर, बर्थडे था यार मम्मी का, मतलब सुबह से साथ भी नहीं हो पाया, बट सही टाइम पे आ गया, अब कुछ इंजॉय करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। गाइस घर पे आ चुके हैं, केक फिर तुमने काट लिया था बढ़िया, और ये देखो लोअर सारे, और मम्मी पापा सब अंदर बैठे हैं, अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा, उनकी पार्टी चल रही है, केक भी कट चुका है, केक तो टेस्ट करेंगे कैसा है। नाइस, केक अच्छा है, मीठा खाना नहीं, कल से जिम जाऊंगा रेगुलर, जिम का ब्लॉग भी दिखाएंगे। खाने में देखें क्या बना, खाने में इतना है संडे की भुजी, शाही पनीर, बटर चाट, ओहो ये दाल,
अभी तक चुके हैं। सो गाइस व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज देख रहा होगा, फॉलो कर देना। मेरा बिजनेस पेज है, वो भी फॉलो कर देना। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलते हैं, उसमें आर्टिकल्स वगैरह दिखाएंगे, अपडेट देता रहूंगा आपको जो भी है पेज पे मेरे द अर्बन एक्सपोर्ट के नाम से। पसीने पसीने होंगे। चलो व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।